अगर आपके पास कोई बंदा शलवार देता है तो शलवार इस शक्ल में होती है, शलवार से कैसे नाप लेना है ये भी देख लें, फिर आपको अगला फॉर्मूला बताते हैं आसन का खुद रखने का तरीका। अगर वो शलवार आपको देता है तो शलवार इस शक्ल में होगी, ये तीन सिलाइयां शलवार में होती हैं, ये जगह बंद होती है और ये जो है नेफा होगा ऊपर वाली जगह, ये नेफा कहलाता है और ये वाली जगह पांचा कहलाती है। साइड से नापते हैं यहां से लेकर यहां तक, जैसे मैंने आपको बताया ये लंबाई कहलाएगी, और यहां से यहां तक नापा है इसको बोलते हैं पांचा, और शलवार का जो दरमियानी हिस्सा है इसको बोलते हैं आसन, जो नापा नहीं जाता। शलवार से तो नाप सकते हैं लेकिन जिस्म से नाप नहीं लिया जाता। अब अगर कोई बंदा पेंट शर्ट पहना है तो उसका आसन खुद कैसे रखेंगे, उसका फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला ये होगा कि जो बड़े नाप शुरू होते हैं वो 32 से शुरू होते हैं, 32 से, 32 से लेकर अगर शलवार की लंबाई हो जाए 35 तक, 32, 33, 34, 35, तो उसका आसन आपने रखना होगा 14 इंच। और अगर शलवार की लंबाई हो जाए 36, 36 से लेकर शलवार की लंबाई 39 तक हो जाए तो उसका आसन 15 इंच होगा। और इसी तरीके से अगर लंबाई 40 या 40 से ज्यादा हो जाए, 44, 44 तक चली जाए तो उसका आसन जो है वो 16 होगा। ये आसन रखने का फॉर्मूला है।